नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बैंगलोर के तर्ज पर बिहार में जल्द आएगी नई आईटी नीति। पटना हाईकोर्ट ने बुलडोजर पर लगाई रोक, इन सुविधाओं को बहाल करने का दिया निर्देश। कितना स्वच्छ है आपका शहर, दे फीडबैक। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित पांड्या ने इस दिग्गज को बनाया कप्तान। इंटर में नामांकन की तारीख बढ़ी आगे। बिहार सरकार अब विलेज टूरिज्म को देगी बढ़ावा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंगलोर के तर्ज पर बिहार में जल्द आएगी नई आईटी नीति। बिहार की नीतीश सरकार जल्द ही बिहार में नई आईटी नीति लाने का काम करने वाली है। बिहार सरकार बिहार को भी आईटी हब बनाना चाहती है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक विशाल उद्योग है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, परामर्श और आउटसोर्सिंग शामिल है, जिसको लेकर ही बिहार की नीतीश सरकार भी अब तैयारियों को तेज कर चुकी है, जिसके तहत ही बिहार में भी आईटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार नीति ला रही है। बिहार सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि बिहार को भारत का प्रमुख आईटी हब बनाया जाए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार सरकार जल्द ही नई सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी नीति लेकर आ रही है। राज्य को आईटी क्षेत्र के निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके, इसके लिए नई आईटी नीति लाई जा रही है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नलिन विलोचन शर्मा की। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक, हिंदी लेखक और आलोचक थे। वो हिंदी के नकेनवाद आंदोलन के 3 पुरस्कर्ताओं में एक थे। नलिन जी का जन्म भारद्वाज गोत्र के सूर्योपारणी ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1972 माघ शुक्ल चतुर्दशी तदनुसार 18 फरवरी सन 1916 ईसा को संध्या 6 बजे पटना सिटी के बदरघाट के पास हुआ था। वो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मात्र लगभग 46 वर्ष की आयु में 12 दिसंबर 1961 ईसा को अपराहन 1:30 बजे हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। नलिन जी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के निष्णात विद्वान थे, साथ ही फ्रेंच और जर्मन भाषा का भी उन्होंने यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया था। चित्रकला में भी उनकी गहरी रुचि थी। पटना हाईकोर्ट ने बुलडोजर पर लगाई रोक, इन सुविधाओं को बहाल करने का निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर के एक्शन को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सुनवाई की, जिसके तहत अभी फिलहाल बुलडोजर एक्शन को यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया गया है। जिसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि वहां रह रहे अब किसी भी नागरिक को तंग करने का काम नहीं किया जाए और साथ ही उनकी बिजली और पानी की सेवाएं भी बहाल कर दी जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए यह भी कहा है कि किसी को बिना व्यक्तिगत नोटिस दिए ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब पुलिस और अधिकारियों की नाक के नीचे यह अतिक्रमण हुआ तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने प्रशासन से कई और सवाल भी पूछे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाली रिक्तियां। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रधान सेवक के कुल मिलाकर 2,693 पद, यूआर के 1,079, ओबीसी के 727, ईडब्ल्यूएस के 269, एससी के 565, एसटी के 53 पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिग्री स्तर में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक, उम्मीदवार के पास यूपीएसएसएससी पीईटी 2021 स्कोर कार्ड होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 24 अगस्त 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी फॉलो कर सकते हैं। कितना स्वच्छ है आपका शहर, दे फीडबैक। स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार के शहरों की रैंकिंग सुधारने पर अब होगा ध्यान। स्वच्छ सर्वेक्षण की कवायद बिहार के विभिन्न शहरों में शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत भारत में साल 2016 में हुई थी। इसके जरिए ही हर साल भारत के अलग अलग शहरों में नए नए मापदंड पर स्वच्छता का आकलन किया जाता है। इस कड़ी में भी अब साल 2023 में स्वच्छता सर्वे के लिए सिटीजन फीडबैक का फॉर्मेट तैयार किया गया है। ये फीडबैक सर्वे 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में पटना सहित अन्य शहरों में इसके तहत लोगों से 12 सवाल पूछे जाएंगे और इन्हीं सवालों के जरिए शहरों के साफ सफाई व्यवस्था का हाल जाना जाएगा। इस संबंध में सभी नगर निगमों और स्मार्ट सिटी के शहरों को गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शहरों में ये स्वच्छता सर्वे 2 तरीके से चलाया जाना है। इसमें पहले ऑनलाइन तरीके से फीडबैक लिया जाता है और दूसरा तरीका ऑफलाइन होता है, जिसमें स्वच्छता सर्वे की केंद्रीय टीम खुद शहर के लोगों से मिलकर साफ सफाई और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लेती है।
डीएलएड शिक्षकों के नाम इस तारीख तक करें अपडेट। डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 2022 के लिए सभी डीएलएड कॉलेजों के शिक्षक और प्राचार्य के नाम को अपडेट करने को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 8 से 18 जुलाई तक डीएलएड कोर्स संचालित करने वाले कॉलेज शिक्षकों की डायरेक्टरी को अपडेट करने की बात कही गई है। इसके लिए बोर्ड का पोर्टल खोले जाने की बात भी कही गई है। हालांकि अब जिन भी शिक्षकों या प्राचार्यों की सेवानिवृत्ति 31 अगस्त तक होगी उन्हें डायरेक्टरी में शामिल करने का काम नहीं किया जाएगा। खबर के अनुसार डायरेक्टरी को ऑनलाइन अपडेट करने के अलावा उसकी हार्ड कॉपी को संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय में भी 19 जुलाई तक भेज देनी है। पूर्वी चंपारण के गांधी संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये शिक्षक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ पर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित और दूसरे कई नेताओं की तस्वीरें, अवशेषों और कार्यों का संग्रह है। अंग्रेजों की तरफ से किसानों और मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचार को देखने जब महात्मा गांधी 1917 में मोतिहारी आए थे तो जिलाधिकारी ने उन्हें जिला छोड़ने को कहा, परंतु गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की और कहा जाता है कि गांधी जी की तरफ से सत्याग्रह का ये भारत में पहला प्रयोग था। गांधी जी को 18 अप्रैल 1917 में धारा 144 का उल्लंघन करने के जुर्म में अनुमंडल अधिकारी के कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा और आदेश न मानने का कारण बताया। इसी स्थान पर सत्याग्रह स्मारक स्तंभ का निर्माण किया गया है। इस 48 फीट लंबे स्मारक स्तंभ की आधारशिला 10 जून 1972 को तत्कालीन राज्यपाल देवकानंद बरुआ ने रखी थी और गांधीवादी विजयाकर कवि ने 18 अप्रैल 1978 को इसे देश को समर्पित किया। प्रदेश में एक दो स्थानों पर होगी बारिश। बिहार में मॉनसून की सक्रियता अब कम हो गई है। प्रदेश का तापमान एक बार फिर से चढ़ने लगा है, जिसके कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के दक्षिण और पश्चिम के हिस्से में इन दिनों लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि मॉनसून जब प्रदेश में एक्टिव हुआ था तो कई जिलों में घनघोर बारिश हुई थी। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा कि जुलाई में प्रदेश में कम बारिश होगी, जिसके बाद से किसानों के माथे पर अब एक शिकन सी आ गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि प्रदेश में इन दिनों तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। बता दें कि इन दिनों तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती रहेगी। देश के मुकाबले बिहार में दोगुनी बेरोजगारी। बिहार की नीतीश सरकार भले ही बिहार में बेरोजगारी को जड़ से हटाने तक की बातें कह रही हो, लेकिन सरकार के इन दावों की सच्चाई क्या है ये सभी को पता है। वहीं आंकड़े भी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी की गई मासिक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के जून महीने की अगर हम बात करें तो भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.8% है। वहीं बिहार का बेरोजगारी दर देश के बेरोजगारी आंकड़े के दोगुना है, यानी कि बिहार का बेरोजगारी दर 14% है। इसके अनुसार बिहार में शहरों के मुकाबले ज्यादा बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि यह दर तब ज्यादा है जब बिहार लॉकडाउन मुक्त है। ऐसे समय में बढ़ता बेरोजगारी दर बेहद ही चिंता का विषय है। बिहार में गहरा रहा है ककून संकट। बिहार में ककून संकट अब गहराता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड से ककून की आपूर्ति में कमी होने के कारण यहां सिल्क का उत्पादन प्रभावित होने लगा है। अभी यहां 200 करोड़ रुपए की सिल्क साड़ी और अन्य कपड़े तैयार करने का ऑर्डर मिला है, लेकिन ककून नहीं मिलने से बुनकर धागा तैयार नहीं करवा पा रहे हैं। इस कारण बाहर के व्यापारियों को अब समय पर कपड़ा नहीं मिल सकेगा। बुनकर कल्याण समिति के सदस्य अलीम अंसारी ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि भागलपुर में छत्तीसगढ़ और झारखंड से ककून आता है। अब दोनों राज्यों में कई लोग खुद सिल्क के व्यवसाय से जुड़ गए हैं। मौसम अनुकूल खेती से बिहार में दिखा सकारात्मक असर। राज्य में मौसम अनुकूल खेती से उत्पादकता दोगुनी हो गई है, यानी कि अब खेती का रकबा बढ़ाए बिना ही अनाज का उत्पादन भी दुगने से ज्यादा हो सकेगा, लेकिन इसके लिए हर किसान को खेती की इस नई प्रणाली को अपनाना होगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अभी हर जिले के मात्र 595 हेक्टेयर में ये खेती हो रही है, वो भी सरकारी अनुदान के सहारे और वैज्ञानिकों की देखरेख में। ज्ञात हो बिहार में मौसम अनुकूल खेती को लेकर गत वर्ष खरीफ और रबी दोनों फसल का आकलन सरकार ने किया तो साल भर की औसत उत्पादकता 113 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। आमतौर पर खेती के पारंपरिक तरीके से साल भर में अनाज की उत्पादकता 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अगर किसान ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से खेती की तो चुनिंदा इलाके में उत्पादकता 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। अब 6 महीने बाद लगवा सकेंगे प्रिकॉशन डोज। बिहार समेत देश भर में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके बाद ही अब लोगों को एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लेने की सलाह दी जा रही है। हालांकि अब तक तो तीसरी डोज लेने के लिए 9 महीने की अनिवार्यता की गई थी, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविड-19 प्रिकॉशन डोज के अंतर को घटाकर 6 महीने कर दिया है, जिससे उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब बूस्टर डोज लेने के पात्र होंगे। इंटर में दाखिले के लिए इस दिन कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन।
इंटर में दाखिले के लिए इस दिन तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। अगर आप भी इस साल इंटर में नामांकन लेने वाले हैं तो आज की हमारी ये खबर बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। बिहार बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2022 से 24 सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 12 जुलाई तक कर दी है। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो अब 12 जुलाई तक OFSS वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड की तरफ से 22 जून से इंटर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इंटर में नामांकन करने की तारीख को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, बल्कि इससे पहले भी एक बार ये काम किया जा चुका है। दरोगा शारीरिक परीक्षा में लड़कों से आगे निकली लड़कियां। बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बेटियों ने बेटों को पीछे करने का काम किया है। ऐसा ही कुछ बिहार के जाबाज बेटियों ने एक बार फिर कर दिखाया है, जिसके तहत ही बिहार पुलिस के दरोगा सार्जेंट की शारीरिक दक्षता परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने 1998 दरोगा और 213 पदों पर सार्जेंट की बहाली होने वाली है। इसके लिए ही हाल ही में दौड़ का आयोजन करवाया गया था, जिसमें ही दौड़ पास करने के मामले में लड़कियों का प्रतिशत लड़कों से दोगुना देखा गया। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 5 टेस्ट होते हैं, उनमें सबसे पहले दौड़ होती है। लड़कों को 6.5 मिनट में 1600 मीटर तो लड़कियों को 6 मिनट में 1000 मीटर दौड़ लगानी पड़ती है। इस बार दौड़ में 8149 लड़कों में से 3282 ही पास कर पाए, वहीं 4499 लड़कियों में से 3804 ने बाजी मारी है। बिहार सरकार अब विलेज टूरिज्म को देगी बढ़ावा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दे रही नीतीश सरकार अब विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली है, जिसके तहत अब विभाग ग्रामीण टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए गांव का चयन करेगी, जहां कला संस्कृति हस्तकला और गांव के खानपान को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की तरफ से जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया गया है। पर्यटन विभाग इस योजना पर अगस्त में काम तेज करेगा। जिलों से मिली रिपोर्ट के बाद गांव का चयन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य भर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से पर्यटकों को सुविधाएं दी जाती है। बिहार शिल्प मेला जल्द लगेगा हैदराबाद में। हैदराबाद में बिहार शिल्प मेले का आयोजन होने जा रहा है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की तरफ से इसका आयोजन करवाया जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मेला 15 से 25 जुलाई तक चलेगा। ये मेला माधोपुर के शिल्पा रम में होगा। इसमें बिहार के कुशल शिल्पी बुनकर और उद्यमी द्वारा निर्मित हस्तशिल्प और हस्तकरघा की सामग्रियों की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेले में बिहार राज्य के हस्तशिल्प हस्तकरघा और खादी के उत्कृष्ट शिल्पियों बुनकरों और उद्यमियों से निःशुल्क स्टॉल आवंटन के लिए आवेदन लिया जाना है। इसके लिए संस्थान की वेबसाइट www.umsas.org.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरकर दिनांक 8 जुलाई तक डाक के माध्यम से या उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में जाकर भर सकते हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों का सत्र हुआ बदहाल। 2 साल से पटरी से उतर चुका है। चिंता की बात यह है कि यह हालत बिहार के सिर्फ एक विश्वविद्यालय की नहीं, बल्कि ये स्थिति अमूमन सभी विश्वविद्यालयों की है। विश्वविद्यालयों का सत्र 6 महीने से लेकर 2 साल तक विलंब चल रहा है। शिक्षा विभाग और राजभवन के बार बार निर्देश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। यहां तक कि सबसे प्रतिष्ठित माना जाने वाला पटना विश्वविद्यालय भी इससे अछूता नहीं है। सत्र के विलंब से चलने के कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। सबसे खराब स्थिति मगध विश्वविद्यालय की है। परीक्षा नियंत्रक डॉ दिनेश्वर यादव ने बताया है कि कर्मियों की कमी के कारण संस्कृत विश्वविद्यालय का सत्र करीब 1 वर्ष विलंब से चल रहा है। मोदी नीतीश नगर में 60,000 परिवारों को मिलेगा आवास। सरकारी भूमि और धन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर नगर बसाने की योजना कागज पर जल्द ही उतरने वाली है। खबर के अनुसार पहले चरण में इस साल 10,000 परिवारों को बसाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद ही घर बनाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के आवास योजनाओं की सहायता ली जाएगी। इसकी जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत रॉय ने बुधवार को दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जिलों को भूमि की खोज के लिए कह दिया गया है। भूमि के विवरण के अलावा उसके दर के बारे में अब प्रस्ताव की मांग की जा रही है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही चालू वित्त वर्ष में ही इसे लागू किया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद आरसीपी सिंह ने दिया इस्तीफा। बीते दिन मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जब मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जदयू के इकलौते मंत्री आरसीपी सिंह ने भी केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर जारी की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान देश और लोगों की सेवा के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह के योगदान की सराहना की। जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री की सराहना को इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक दोनों नेताओं के लिए आखिरी थी। दोनों नेताओं का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल 7 जुलाई यानी बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है।
लालू यादव हुए दिल्ली रवाना, राज्य सरकार उठाएगी इलाज का सारा खर्चा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चोट लगने के साथ ही उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद से उनकी तबीयत को लेकर सभी की निगाहें खबरों पर टिकी रहती है। हालांकि बीती सुबह से ही पटना के पारस अस्पताल में सीएम नीतीश समेत अन्य नेताओं ने लालू प्रसाद यादव का हालचाल जाना, जिसके बाद ही देर शाम को लालू प्रसाद यादव को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली लेकर जाया गया। वहीं उनके साथ साथ तेजस्वी यादव, बहुराजश्री और पत्नी राबड़ी देवी भी तुरंत ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। वहीं इस दौरान नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की है कि लालू प्रसाद के इलाज का सारा खर्चा खुद वहन करेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मीर जाफर की बंगाल के नवाब के रूप में 1763 को दोबारा ताजपोशी हुई। महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर कब्जा किया। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में हुई। नासा के अपॉर्चुनिटी अंतरिक्ष यान ने 2003 में मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी थी। मोहम्मद बरकत उल्लाह का जन्म 1854 में हुआ। वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 1981 में हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास का जन्म 1914 में हुआ। हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु का निधन 2014 में हुआ। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित पांड्या नहीं इस दिग्गज को बनाया कप्तान। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान बीते दिन कर दिया गया, जिसके तहत ही टीम की कप्तानी इस बार शिखर धवन को दी गई है। धवन इससे पहले पिछले साल श्रीलंका दौरे पर गई दूसरे दर्जे की भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने बीते दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ही इस टीम में शिखर धवन कप्तान, रविंद्र जडेजा उपकप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन विकेटकीपर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया है। डिलीट हुआ व्हाट्सएप मैसेज तुरंत मिल जाएगा वापस। व्हाट्सएप पर एक बार मैसेज हटाए जाने के बाद यूजर को केवल एक टेक्स्ट दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड। हालांकि ये अपने आप को शर्मनाक स्थितियों से बचाने में बहुत मददगार है, लेकिन कभी कभी यूजर गलती से जरूरी मैसेज को डिलीट कर देते हैं और फिर पछताते हैं, क्योंकि वो इसे अब दोबारा नहीं देख सकते। हालांकि यदि आप भी ऐसी ही स्थिति में हैं, तो अब आप डिलीट हो चुके व्हाट्सएप मैसेज को भी रिकवर कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, डिलीट हो चुके मैसेज को वापस पाने के लिए एक व्हाट्सएप ट्रिक है, बशर्ते आपको अपने चैट हिस्ट्री बैकअप फीचर ऑन होना चाहिए। इसके बिना ये ट्रिक काम नहीं करेगी। साथ ही यदि मैसेज के डिलीट होने के बाद एक लंबा समय बीत चुका है, तो आप इसे वापस भी नहीं पा सकते हैं। मणिरत्नम फिल्म पन्नियन सेल्वन फिल्म से ऐश्वर्या रॉय का पोस्टर हुआ आउट। ऐश्वर्या रॉय बच्चन की अपकमिंग फिल्म पन्नियन सेल्वन से एक्ट्रेस का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर के जरिए ऐश्वर्या का क्लोज लुक देखने को मिल रहा है। फिल्म में ऐश्वर्या के किरदार का नाम है नंदिनी। मणिरत्नम के मदरान टॉकीज के ट्विटर अकाउंट से पोस्टर शेयर हुआ है, जिसमें ऐश्वर्या ने मैरून कलर का आउटफिट पहना हुआ है और इसके साथ ही वहीं उन्होंने हैवी ज्वेलरी भी कैरी की है। पोस्टर शेयर कर लिखा गया है कि एक खूबसूरत चेहरा मिलिए नंदिनी से, जो पझुवूर की रानी है। पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर यह छा गया है। एक बार फिर ऐश्वर्या की खूबसूरती ने फैंस का दिल जीत लिया। सभी एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि वो एक रानी के लुक में परफेक्ट लग रही हैं। बिहार में 325 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न। बीएड और शिक्षा शास्त्री कोर्स में दाखिले के लिए राज्य में 1.80 लाख परीक्षार्थियों ने बीते दिन हिस्सा लिया। बिहार में 11 शहरों के 325 केंद्रों पर बीएड कॉलेज में दाखिले के लिए बुधवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसको लेकर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं केंद्र बनाई गई थी। महिलाओं के लिए 157 तो पुरुषों के लिए 168 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। राजधानी पटना की बात करें तो पटना में 41 परीक्षा केंद्रों पर बीएड एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 27,000 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। छात्रों की माने तो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न सबसे अधिक रहे और कुछ सवाल उसमें घुमावदार भी थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है कुश कुमार यादव, मंटू कुमार, MKY13 भाई, मनीष कुमार, नौशाद शेख, दिव्यांशु सिंह, नीरज कुमार, राजू कुमार, सुजीत कुमार, वैद्यनाथ ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच क्या आपने बूस्टर डोज अभी तक लिया है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।